और आजकल तो चाय वालों को देखने के बाद डर सा लगने लगा। क्या बात, आदमी भी कमाल करता है, चाय पीकर खिलाल करता है, जिसको आता नहीं बिस्मिल्ला वही मुर्गा हलाल करता है। कर ही रहा है कमर भाई, कर ही रहा है। आजकल जलसे में लोग बड़ी शौक से चाय पिलाते हैं और सोचते हैं कि जब स्टेशन पे चाय बेचने वाला भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है तो जलसों में चाय पिलाने वाला गांव का मुखिया क्यों नहीं बन सकता है। बहरहाल जल्दी से बाबू आप चाय पिला लो, इतने ठंडे है कि मैं रोक भी नहीं सकता हूं, वरना दौराने तकरीर में किसी को चाय पीने की इजाजत भी नहीं देते। लेकिन ठंड इस कदर है कि अगर आपको शायद चाय ना मिले तो चाय के लिए आदमी कुछ भी कर देता है, इसलिए आप जल्दी से चाय पी लो। अल्लामा कमर साहब, बहुत देर से मैं स्टेज पे बैठा, जमील भाई चले गए और आपके ये सुनने का तेवर में देख रहा था। अल्लामा महफूज साहब, इन लोगों की समाप्त देखने के बाद एक बात याद आ गई, अगर आप इजाजत दे दें तो मैं बता दूं। एक आदमी के यहां दो चोर घुसा। कितना चोर? चाय पीते रहिए, जवाब देते रहिए। कितना चोर? एक चोर का नाम था अब्दुल रहीम, दूसरा चोर का नाम था अब्दुल करीम। अगर यहां किसी का नाम हो तो माफ कीजिएगा। वो दोनों चोर इतने चालाक थे कि रात होने से पहले पहले शाम ही में घर घुस गए। तो जिनका नाम अब्दुल रहीम था ऊपर छज्जा में छुप गया और जिसका नाम अब्दुल करीम था वो पलंग के नीचे छुप गया। मकान मालिक जब काम करके शाम में घर लौटा, खाना खाने के बाद जब बिस्तर पे सोया तो बीवी बोल पड़ी, मेरे सरताज आज तो खाने पीने का काम चल गया लेकिन कल के लिए घर में अनाज के एक भी दाने नहीं है। शौहर बड़ा साबिर था, बोल पड़ा घबराती क्यों हो, वो रहीम है ना, इंतजाम करेगा। फिर थोड़ी देर बाद बोलती दाल भी नहीं। शौहर बोला घबरा मत, वो रहीम है, इंतजाम करेगा। फिर कुछ देर बाद बोलती मेरे सरताज आपको सुबह उठने के बाद फौरन चाय चाहिए, आज तो घर में चाय की पत्ती भी नहीं है। शौहर बोला घबरा मत, वो रहीम है, इंतजाम करेगा। इतना सुनना था अब्दुल रहीम जो छज्जा में छुपा था धड़ाम से नीचे कूद गया और गुस्सा के बोला जब सब इंतजाम अब्दुल रहीम ही करेगा तो पलंग के नीचे जो अब्दुल करीम छुपा है वो का खा करेगा। उसी वक्त से मैं देख रहा हूं कि नारा भी एक ही आदमी लगाए, इनाम भी दो चार ही लोग, बाकी आप लोग क्या करने आए हैं? अगर आप लोग भी कुछ करने आए हैं तो जरा एक बार पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। देखो जिनके हाथ में चाय है वो हाथ नहीं उठाए, वरना हजरत अभी इलाहाबाद में तकरीर कर रहा था, चाय चल रही थी, मैंने कहा दोनों हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। बेचारा जज्बात में आया, बोले या रसूल अल्लाह। इसलिए जिनके हाथ में चाय हो वो संभल कर, जो लोग चाय पी चुके हैं वो जरा दोनों हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं, जरा जोर से बोल दो
अरे जोर से और जोर से, इश्क में, इश्क में। सुभान अल्लाह। अब अहले इल्म की दुआओं का सहारा लेते हैं। शहबाज भाई, सिर्फ एक मतला और एक शेर, नहीं तरन्नुम में नहीं पढ़ूंगा, आप ऐसा मत देखिए मुझको, तरन्नुम में नहीं पढ़ूंगा। असल में मैं जानता हूं कि खतीब जब से तरन्नुम में शुरू कर दिए ना, तब से मामला कहीं भी कुछ हो जाता है। हजरत उड़ीसा में यूपी का एक खतीब पहली बार आया, और जानते हैं शहबाज भाई, उड़ीसा में लेन देन का मामला बड़ा अच्छा रहता है, लोग शायरों को बहुत नवाजते। खतीब साहब ने देखा कि मामला तो बड़ा अच्छा है, चलो दो तीन शेर मैं भी पढ़ दूं, आने जाने का किराया उठ जाए, आवाज तो फटे लिबास। एक शेर, दो शेर, तीन शेर, 10-20 रुपए मिलने लगे, उनके अशार भी बढ़ने लगे। इतने में कमेटी का एक लड़का मोटा सा डंडा लेके स्टेज के चारों तरफ घूम रहा। मौलाना बोले, बाबू बैठ जाओ, बस मैं खत्म करने वाला हूं। उन्होंने कहा, नहीं हुजूर, आप तो मेरे मेहमान हो, आप पढ़ो, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूं जिसने आपको दावत दिया है। तो कहीं वही हादसा इधर ना हो जाए कि तरन्नुम में मैं शुरू हो जाऊं, डंडा लेके लोग मौलाना महफूज को ना ढूंढने लगे। इसलिए मुतमईन रहिए, ऐसी गलती कतई नहीं। जरा एक बार झूम के बोल दो, या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, अगर मूड बन गया है तो पूरा मजमा झूम के या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहूं उमर भाई कि हर कदम हर नफस देखते रह गए, हर कदम हर नफस देखते रह गए, उनको देखा तो बस देखते रह गए, उनको देखा तो बस देखते रह गए। और अहले इल्म के हवाले ये शेर के सूरे बद्दुहा पढ़ के जिब्रील भी सूरे बद्दुहा पढ़ के जिब्रील भी सूरते मुस्तफा देखते रह गए, सूरते मुस्तफा देखते रह गए। और जब बरेली के ताजदार ने देख लिया तो झूम गए, और जब झूम गए तो तुर्बते रसूल चूम गए। जरा जोर से बोल दो, ऐसे नहीं, पूरा मजमा एक आवाज में बोल दो। और जब चूम गए तो बोल पड़े हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो। हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अब जरा यही रुक कर आप हमें एक बात बता दो, आप नमाज पढ़ते हो ना? अरे बोलो ना, पंजगाना ना सही, जुमा तो पढ़ते ही हो गए, और अगर जुमा नहीं तो ईद बकरीद कौन माई का लाल रोक दे? बोलो, पढ़ते को नहीं पढ़ते? मान लो हमें नियत करनी पड़ जाए नमाज फजर की, तो नियत क्या करते हैं? नियत की मैंने दो रकत नमाज फजर की फर्ज वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह, यही नियत करते हो ना? अरे बोलो ना, पूरब वाले नियत करे मुंह काबा शरीफ की तरफ, पश्चिम वाले नियत करे मुंह काबा शरीफ की तरफ, दक्षिण वाले नियत करे मुंह काबा शरीफ की तरफ, उत्तर वाले नियत करे मुंह काबा शरीफ की तरफ। मैंने पूछ लिया हूं काबा, पूरी दुनिया का किबला तू, पश्चिम वालों का किबला तू,
वालों का किबला तू, दक्षिण वालों का किबला तू, उत्तर वालों का किबला तू, एक काबा पूरी दुनिया का किबला तू है, पूरी दुनिया का काबा तू है। पता तेरा किबला किधर है, पता तेरा काबा कौन, तो काबा भी इश्क़ में बोल उठा। पूरी दुनिया का किबला मैं हूँ, पूरी दुनिया का काबा मैं हूँ, और मेरा काबा मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे रिसालत उर्से मुकद्दस। इसीलिए तो किसी आशिक ने कहा कि सबने तो सर झुकाया है काबा के सामने, हम काबा झुका है गुंबदे खजरा के सामने, काबा झुका है गुंबदे खजरा के सामने। इसलिए कुरान कहता है ए लोगो, जब तुम कोई गुनाह करो, जब तुम अपने नफ्स पे जुल्म कर लो, तो आओ ए अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, मुझसे गुनाह हो गया, मुझसे पाप हो गया, मैंने गुनाह कर लिया, और तू कह रहा आओ मक्का में मीना में आ जाऊं, नहीं सफा की चोटी पे आ जाऊं, नहीं मरवा के पहाड़ पे आ जाऊं, नहीं अरफा के मैदान में आ जाऊं, नहीं मुस्तलफा की वादी में आ जाऊं, नहीं ए रब्बे सुलजलाल गुनहगार मैं हूं, और तू बुला रहा तो मैं आऊं कहां। तो कुरान कहता जाओ आ रसूल की बारगाह में, बोल दो जोर से, आ नबी की चौखट पर, मुजरिम हो मौलाना महफूज का, और वावे मौलाना कमर मिसबाही की बारगाह। ये क्या मामला, जिसका मुजरिम हो उसके पास जाए, जिसका बागी हो उसके पास जाए, जिस जगह से जुर्म हुआ हो वहां जाए। लेकिन यह मामला तो बड़ा अजीब है, ए रब्बे जुलजलाल गुनहगार मैं हूँ, रहीम तू है, पापी मैं हूँ, करीम तू है, खताकार मैं हूँ, बख्शने वाला सत्तार तू है, बीच में रसूल की क्या जरूरत। तो रब फरमाता है नादान उन्हीं की जरूरत थी जो मैंने तुझे पैदा किया, बोल दो जोर से, उनकी जरूरत ना होती तो ना मैं जमीन पैदा करता, ना आसमान पैदा करता, ना चांद सूरज पैदा करता, ना हूर मलक पैदा करता। उन्हीं की जरूरत थी जो मैंने तुझे पैदा किया, और अपने महबूब को तो ऐसा बेमिसाल पैदा किया, ऐसा लाजवाब पैदा किया, ऐसा पावरफुल पैदा किया, ऐसा बेनजीर पैदा किया। मैंने अपने महबूब को ऐसा बेमिसाल पैदा किया, ऐसा लाजवाब पैदा किया, न जिनके चेहरे के जवाब, न जिनके तलवे के जवाब, न जिनके जुल्फे मुअम्मर का जवाब, न चेहरे अनवर का जवाब। मैंने ऐसा पावरफुल पैदा किया कि मैंने जमीन की तकलीफ फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया, आसमान की तकलीफ फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया, अर्श की तकलीफ फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया, सूरज की तकलीफ फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया, चांद की तकलीफ फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। मैंने कायनात की तकलीफ फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया, यहाँ तक के मैंने जन्नत की तकलीफ फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। तभी तो सरकार ताजु शरीया बोल पड़े, जहाँ पानी अता कर दे,
तुम्हारी जन्नत ले पाकर दे नबी मुख्तार कुल है। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसाल, ए रब्बे जुल जलाल, गुनहगार मैं हूं, सत्तार तू है, पापी मैं हूं, रहीम तू है, बीच में रसूल की क्या जरूरत। रब फरमाता नादान उन्हीं की जरूरत थी जो मैंने तुझको पैदा किया। लेकिन आज कुछ लोग डायरेक्ट वाले पैदा हो गए, कहते ये क्या पीर पयंबर वली, हम तो डायरेक्ट वाले हैं, डायरेक्ट जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर 5 मंजिला बिल्डिंग पे अगर कोई डायरेक्ट जाना चाहे तो जा सकता है चाचा, और अगर डायरेक्ट आना चाहे तो आ सकता है, लेकिन उसकी मुंडी कहां रहेगी, अतड़ी कहां रहेगी, उसे खुद पता नहीं चलेगा। बोलो सही के गलत है। अच्छा बहुत सवार है कुछ लोगों पे डायरेक्ट, हम तो डायरेक्ट वाले हैं, डायरेक्ट चलेंगे। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमें चलना पड़ जाए भारत के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी के पास, तो क्या आप डायरेक्ट चले जाओगे? अरे बोलो ना, आजकल मुखिया तक आदमी डायरेक्ट नहीं जा सकता है। जाने के लिए जो कानूनी प्रक्रिया है उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। नाम लिख कर दे दो, पता दे दो, एड्रेस दे दो, होलिया दे दो, शनाख्ती कार्ड दे दो, फिर भी चेकिंग। और कमर भाई अब तो आदमी को आदमी नहीं, आदमी को कुत्ता चेक करता है। बोलो सही के गलत है। गोया कर जाना हो तो कानूनी प्रक्रिया का कर लो तब चलो, जो लाइन ऑर्डर हो उसे मेंटेन कर लो तब चलो, शनाख्ती कार्ड ले लो तब चलो, आधार कार्ड ले लो तब चलो, पैन कार्ड ले लो तब चलो। अरे तू अपनी तकदीर पे मातम कर, हम अपनी तकदीर पे रश्क करें, कल मैदान कयामत में रब की अदालत तक जाने के लिए रब जलाल ने हमारे पास इतने वसाइल दे दिए, कताकी वालों शाग दाना शहीद को लेकर चले आना, बिहार वालों मखदूम बिहारी को लेकर चले आना, उड़ीसा वालों मुजाहिद मिल्लत को लेकर चले आना, बरेली वालों अहमद रजा को लेकर चले आना, कलियर वालों साबिर को लेकर चले आना, देवा वालों वारिस को लेकर चले आना, कछोचा वालों मखदूम को लेकर चले आना, अजमेर वालों गरीब नवाज को लेकर चले आना, बगदाद वालों गौसे आजम को लेकर चले आना, ये सब को लेकर चलेंगे अली तक, और अली सब को लेकर चलेंगे नबी तक, तो जो वली का होगा वो अली का होगा, जो अली का होगा वो नबी का होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। कोई मुजाहिद है जो नारा लगा सकता है? अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, आए जिंदाबाद, बच्चा बच्चा है कुर्बान, वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। इसलिए हुकूमत बदलती है, बदलती रहेगी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बदलते हैं, बदलते रहेंगे, गवर्नर का ट्रांसफर होता रहेगा, मगर गरीब नवाज की चौखट नहीं बदलेगी, गौसे आजम की अनायतें नहीं बदलेगी, अहमद रजा का इश्क़े रिसालत नहीं बदलेगा, शाग दाना शहीद की करामतें नहीं बदलेगी। इस
इटली के अमेरिका के डॉलर पे पल्ले वालों सऊदिया और सऊदिया के रियाल पे पल्ले वालों इंडिया के वहाबिया कान खोल के सुन ले, अगर तेरे पास बाजार की कुवत है तो हुसैन के गुलामों के पास मजार की कुवत है। क्या बात है। जब बाजार की कुवत मजार की कुवत से टकराई है तो चूर चूर हो गई है। तुम्हें बाजार की कुवत मुबारक हो। गरीब नवाज के मजार की कुवत मुबारक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलियाए किराम, उर्से मुकद्दस, हजरत अल्लामा अलहाज शहादत हुसैन बरकाती। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा पूरा मजमा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह, सुनेंगे तो जरा एक रंग में बोल दो या रसूल अल्लाह। इस वक्त कमर भाई मुल्क के हालात बहुत नाजुक हैं और इस वक्त मुल्क के हालात क्या है आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। इस पुरफतन माहौल में, इस पुरफतन माहौल में सिर्फ 5 मिनट की मेरी गुफ्तगू और सुन लो, जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। जरा पूरा मजमा एक आवाज में दोनों हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह। सिर्फ मैं अपने मंच के उलमा से, मसाजिद के अइमा से हाथ जोड़ के सिर्फ एक गुजारिश करता हूं, जहां जाता हूं, हजरत मुल्क के हालात बहुत खराब है और ऐसे नाजुक हालात में सिर्फ मजारों के चादरों की अहमियत बताने का वक्त नहीं है, सिर्फ बुजुर्गों की करामतें सुना सुना कर जन्नत की चाबी बेचने का ये वक्त नहीं है। सिर्फ अपने गर्म गर्म जुमलों से अवाम अहले सुन्नत से नारा वसूलने का ये वक्त नहीं है, ये वक्त अपने आने वाली नस्लों के वजूद बचाने का वक्त है। हमारा वजूद बाकी होगा तब ये मजारों के चादरों की अजमत सलामत रहेगी। हमारा वजूद ही बाकी नहीं होगा तो ईमान से बोलो हमारी कब्रों पे फातिया कौन पड़ेगा। इसलिए सिर्फ चादर दागर और लंगर के नाम पर लाखों खर्च करने वालों होश में आओ, होश में। हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं मत चढ़ा गरीब नवाज की तुर्बत पे 10,000 की चादर। मेरे ख्वाजा तेरी चादर के मोहताज नहीं है, सिर्फ 10 रुपया कम मोहब्बत से फूल पेश कर दो और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दो, एक ऐसी दर्शिका बना दो जहां हम अपने बच्चों को दीन की भी तालीम दे सके, दुनिया की भी तालीम। लेकिन अल्लामा महफूज साहब शर्म आती है, खुदा की कसम मातम करने को तबीयत चाहती है। हमारे यहाँ करोड़ों के खानकाह मिल जाते हैं, टाइल्स और मार्बल के लगे हुए खानकाह मिल जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास अपना कोई स्कूल नहीं मिलता। बोलो सही के गलत है, सही है के गलत है। अमा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी तो दूर, नर्सरी के बच्चों को भी पढ़ाने के लिए हमारे पास अपना कोई स्कूल नहीं। तब मजबूर होकर ये मेरी कौम की बेटियां जिसको हिजाब और पर्दे में रहना चाहिए, गैरों के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में जाने पे मजबूर होती है। आज फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए रोजाना आप ये खबरें पढ़ते हो, जिस खबर को पढ़ने के बाद एक मोमिन का कलेजा मुंह को आने लगता है।
कि जैनब नाम की बेटी किसी महेश के साथ भाग गई। बड़ी तेजी के साथ आज मेरी कौम की बेटियां मुर्तद हो रही, बड़ी तेजी के साथ। और हजरत माफ करना, इसके सिर्फ दो रीजन है, सिर्फ दो। एक रीजन तो ये कि हमने निकाह को बहुत महंगा कर दिया, और दूसरा रीजन ये कि हमारे पास अपना कोई कॉलेज नहीं है। आज घर में 300 कपड़ा नहीं है, डिमांड है 3 लाख रुपया। बोलो सही कि गलत है? घर में टूटी हुई भी चारपाई नहीं है, डिमांड बॉक्स पलंग। घर में एक बछिया तक नहीं, डिमांड है अपाची। आपके यहां लोग डिमांड लेते कि नहीं लेते? बोलो मांगते कि नहीं मांगते? मैं सोच रहा था सिर्फ मेरे मधुपुर ही में लोग मांगते हैं, यहां भी इंटरनेशनल फकीर हैं। तो मैं इन फकीरों को जहां जाता हूं एक मशवरा देता हूं कि मत गरीब बाप की बेटियों की जमीन बेचवा कर मांगो। अगर मांगना है तो औरंगाबाद के बीच चौराहे में एक बड़ा सा ड्राम लेकर खड़ा हो जा, और उस ड्राम पे लिखवा दे, मैं बेटा का बाप हूं, मैं भिकमंगा हूं। एक साल मांग लो, बाइक नहीं स्कॉर्पियो खरीद लो। इसलिए अगर गैरतदार माओ के दूध पिए हो, अगर जानवर नहीं बेटा पैदा किए हो, तो आज इस उर्स की तकरीब से पैगाम लेकर के जा कि हम बेटा बेचेंगे नहीं। रब ने हमें बेटे जैसी नेमत से नवाजा है, हम बेटा बेचेंगे नहीं, बल्कि अपने बेटे को मौला अली का गुलाम बनाकर किसी गरीब की बेटी को अपने घर के बहू बना लेंगे। खुदा की कसम, अगर तूने ये अहद कर लिया तो तुम जमीन के ऊपर रहोगे तब भी कामयाब रहोगे, कब्र की मंजिल में जाओगे तब भी तुम कामयाब रहोगे। अमर भाई, आज फातिमा नाम की बेटी गैरों के साथ भाग रही है। काश हमारे पास भी कोई सी दर्शिका होती, हमारे पास भी कोई सा प्लेटफॉर्म होता जहां हम अपनी कौम की बेटियों को बैठा कर जैनब नाम रखने से पहले जैनब की जिंदगी की तारीख पढ़ा देते, फातिमा नाम रखने से पहले फातिमा की जिंदगी की कहानी सुना देते। खुदा की कसम, मेरी ये कौम की बेटियां अपनी जान तो दे सकती है, अपने इज्जत का ये सौदा करना पसंद नहीं कर सकती है। लेकिन आज हम कहां जा रहे हैं? नाम तो रखा बेटियों का जैनब, जैनब की जिंदगी की हमने तारीख नहीं सुनाई। सुन जैनब कौन थी, झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं पूरा मजमा एक आवाज में बोल दो या रसूल अल्लाह। सहन है मस्जिद नबवी का, 6 साल की एक बच्ची कुरान की तिलावत फरमा रही है। अगर बेटियों के बाप बैठे हो तो बहुत तवज्जो से मेरी गुफ्तगू सुनना। 6 साल की एक बच्ची मस्जिद नबवी के सहन में बैठकर कुरान की तिलावत फरमा रही, और तिलावत फरमाते फरमाते थोड़ा सा दुपट्टा सर से सरक गया। अल्लाहू अकबर। सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा, हजरत फातिमतु ज़हरा तशरीफ ले आई, सुभान अल्लाह। और सर से जो थोड़ा सा दुपट्टा सर का था ना, सय्यदा फातिमा ने सर पे दुपट्टा डाल दिया, और डालने के बाद सय्यदा फातिमा बोल पड़ी, बेटी ज़ैनब खबरदार, अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना मुस्तफा तुझसे नाराज हो जाएंगे। अल्लाह, उम्र है सिर्फ 6 साल,
पूछी नौलमाई कराम से, 6 साल की उम्र में पर्दा फर्ज नहीं है, लेकिन तरबियत का सर देख। सज्जदा फातिमा बोल पड़ी, है बेटी खबरदार अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना मुस्तफा तुझसे नाराज हो जाएंगे। इतना सुनना था सज्जदा ज़ैनब फूट फूट के रोने लगी, हिचकी चलने लगे रोने लगी। इतना रोई ज़ैनब, इतना रोई ज़ैनब, फिर सज्जदा फातिमा को आना पड़ा। और आने के बाद सज्जदा फातिमा ने पूछा, बेटी ज़ैनब इस तरह आंसू क्यों बहाती हो, इस तरह से क्यों रोती हो? तब सज्जदा ज़ैनब ने कहा था, उम्मी फातिमा आज आपकी बेटी ज़ैनब आपको दवा बना कर वादा करती है कि आपकी बेटी ज़ैनब अपनी गर्दन तो भेज सकती है, अपने सर से कभी दुपट्टा सरकने नहीं। सुभान अल्लाह। क्या वक्त बड़ी तेजी के साथ सफर कर गया है। मेरे बाद बहुत बड़े शायर और जमात अहले सुन्नत के एक बहुत बड़े खतीब हजरत अल्लामा डॉक्टर शहरयार साहब की बला तशरीफ ला चुके हैं, उनका भी खिताब आपको सुनना है। इसलिए मैं वक्त ज्यादा नहीं लेकर सिर्फ एक बात आखिरी अर्ज कर दूं, मेरे कौम के नौजवानों, अगर आप चाहते हो कि इस मुल्क में इनकलाब आए तो आप अपने बच्चों को पढ़ा दो अपने बच्चों को। आओ मत खर्च करो शादियों में 5 लाख 10 लाख, बचाओ पैसे को, पढ़ाओ अपने औलादों को। मत मोटा नजराना पेश करो पीरों को, इतना मोटा लिफाफा पीर के नाम पर लोग खर्च कर देते हैं। बूढ़ी माँ एक खुराक दवा के लिए तड़पती रहती है, बेटे को तौफीक नहीं होती कि माँ के लिए दवा का इंतजाम कर दे। बाप के जिस्म पर फटी हुई बिल्लुंगी रहती है, पीर साहब के हाथ चूम कर 20 लाख का चेक फाड़ कर दे देते हो। मैं ये नहीं कहता कि पीर का हाथ मत चूमो, लेकिन अगर माँ जिंदा है तो पहले अपने माँ के हाथ चूम ले। अगर माँ ने तेरे लिए आंचल उठा दी, खुदा की कसम उसके आंचल बाद में नीचे आते हैं, अल्लाह उसके दुआ पहले कबूल कर लिया करता। इसलिए वक्त नहीं है, अल्लाह हमें सुनने से ज्यादा अच्छी बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। दर्द तो बहुत सारा था, लेकिन वक्त के दामन गिर नहीं बल्कि गर्दन गिर है। अल्लाह तबारक ताला सुनने से ज्यादा अच्छी बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। जिंदगी सहबत यार, बाकी खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।